हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। मैं संदीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं IBPS 2020 की नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर लगभग 6800 वैकेंसी है दोस्तों, जो कि ऑफिसर ग्रेड की है। ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है। जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहली जो वैकेंसी है जो इतनी बड़ी लेकर आया है RRB, रीजनल जो रूरल बैंक है, RRB जिसको हम बोलते हैं, तो लॉकडाउन के बाद पहली वैकेंसी है जिसके अंदर इतनी नंबर ऑफ जो नोटिफिकेशन, पहली नोटिफिकेशन है जिसके अंदर इतनी जो लंबी बड़ी लिस्ट है, जिसके अंदर इतने ज़्यादा स्टूडेंट है वो रिक्रूट करने हैं उनको, वो भी ऑफिसर लेवल के पोस्ट के ऊपर। तो हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम चलते हैं मुद्दे पर RRB के बारे में। तो RRB में जैसे एक तो RRB होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है NTPC और ग्रुप डी का, और एक हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ये RRB है, रीजनल रूरल बैंक, जिसके अंदर बैंक क्लर्क और PO की पोस्टें भी निकलती है, जिसकी हम तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर स्टूडेंट आपको तैयारी के माध्यम से भी अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस चैनल को सेलेक्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। और इसके अंदर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार आपको अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते रहते हैं और लगातार वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड होती रहती है। तो चलते हैं IBPS RRB 2020 की वैकेंसी के ऊपर। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर इसके एग्ज़ाम डेट की। नोटिफिकेशन के अंदर मेनली है क्या क्या, हाइलाइट्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे, और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसको फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, या एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जो वैकेंसी है दोस्तों वो चार तरह की है, वैसे मेनली तो दो ही तरह की है, जिसके अंदर एक तो ऑफिस असिस्टेंट लेवल का काम आ जाता है और एक जो ऑफिसर लेवल का काम आ जाता है, ऑफिसर जिसको अपन ग्रेड के अंदर बोलते हैं, ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड टू, ग्रेड यानी कि थर्ड, फर्स्ट टू और यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ग्रेड के अंदर जो जो वैकेंसीज आती हैं उनके फॉर्म अभी निकले हैं दोस्तों। पूरी की पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा, उससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो चैनल देख रहे हो, जो YouTube का चैनल आप देख रहे हो, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बेल आइकॉन है वो प्लीज़ ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। और मुझे लगता है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। तो एग्ज़ाम का नाम जैसे मैंने आपको बताया, रीजनल रूरल बैंक IBPS RRB, ठीक है। और पोस्ट हैं, एक तो ऑफिसर स्केल की आ जाती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड के अंदर, और एक ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ के अंदर आती है, और ग्रुप उसके अंदर ए और बी दो ग्रुप की है। एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होगा। एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट, मतलब कि दोनों वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। बाकी हम जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे, लगातार वीडियो को देखते रहिए, एंड तक जरूर देखें। और जो IBPS RRB की जो एग्ज़ाम स्टेट है वह एक तो ऑफिसर स्केल वन, और मैंने बताया था एक तो स्केल वन हो गया जिसके अंदर प्री, मेन और इंटरव्यू भी होगा दोस्तों, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के अंदर सिर्फ प्री और मेन दो ही होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। और सेकेंड और थर्ड के अंदर सिर्फ एक सिंगल लेवल का एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम की स्टेज है, एंड एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, और जो टोटल एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो प्री की 45 मिनट रहेगी, मेन की 2 घंटे रहेगी, और जो सिंगल लेवल एग्ज़ाम है जो सेकंड और थर्ड स्केल के लिए, उसकी भी जो एग्ज़ाम की जो है वो टाइमिंग 2 घंटे ही रहेगी दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है www.ibps.in। हम बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की डेट के बारे में। नोटिफिकेशन है वो जून 2020 के अंदर आने वाली है, और जो एप्लीकेशन है वो जून 2020 से ही शुरू हो जाएंगी भरनी और ख़त्म हो जाएंगी जुलाई 2020 को, ठीक है दोस्तों। और जो प्री की एग्ज़ाम की डेट है वो 1 और 2 अगस्त रखी गई है स्केल वन के लिए,
ऑफिस असिस्टेंट के लिए 8, 9 और 16 अगस्त रखी गई है, ठीक है दोस्तों। और जो मेन या जो सिंगल ऑफिसर के लिए है उसकी 13 सितंबर को रखी गई है। और आरआरबी की जो मेन एग्जाम होगा उसकी ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो 19 9 और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 13 9 रखी गई है दोस्तों। और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड है और ऑफिस असिस्टेंट है उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट भी दी जाएगी। और वैकेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल दोस्तों 8,354 है, सॉरी 6,800 नहीं है, 8,354 वैकेंसी है, जिसके अंदर से जो ऑफिस असिस्टेंट की अकेली की वैकेंसी है वो 3,688 है। बाकी इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो, पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम पढ़ते हैं आरआरबी की। तो जो ऑफिसर स्केल थर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो एज है वो 21 से लेकर 40 तक होनी चाहिए, और यानी कि 1980 से पहले नहीं जन्मा हुआ होना चाहिए और 1999 के बाद भी नहीं जन्मा होना चाहिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सेकंड के लिए भी 21 से लेकर के, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 32 है, और यहाँ पे 88 दे रखा है, यानी कि 3 जून 88 से लेकर के 31 मई 1999 तक। और जो ऑफिसर स्केल वन है उसकी जो 18 से लेकर के 30 साल तक की एज है दोस्तों, और ये भी 1990 से मतलब पहले ना जन्मा हो और 2002 से बाद का ना हो। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी ये 18 से लेकर के 30 साल तक की एज का है, यानी कि 1992 से लेकर के 2002 तक इसकी जो डेट है। ये तो सबसे पहले आपको अपनी एज लिमिट देखनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। उसके बारे में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ी बात कि जो मल्टीपर्पज़ हैं उनके लिए आपको डिग्री चाहिए और प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज के अंदर और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। और ऑफिसर स्केल वन के लिए आपको पता है कि डिग्री तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था हर चीज़ के लिए डिग्री आपको चाहिए, मिनिमम 50% ज़रूरी है। और अगर आपके पास डिग्री है, एक तो डिग्री कोई डिसिप्लिन के अंदर हो, या दूसरी है इंजीनियरिंग है या पीसी कल्चर है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, ये चीज़ें हैं, ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए दोस्तों, पीओ के लिए या असिस्टेंट मैनेजर के लिए। पीओ का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, और लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर स्किल भी आप भर सकते हो। और सेकंड की बात करते हैं तो सेम वही, इसके अंदर भी काफ़ी सारे आप डिपार्टमेंट दिए गए हैं जहाँ से अगर आपकी डिग्री है तो। और इसके अंदर कंप्यूटर स्किल की जो नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं है, लोकल लैंग्वेज के अंदर भी प्रोफेशियंसी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है स्केल सेकंड के अंदर आपको एक एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी 2 साल का, 2 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर, एज एन ऑफिसर कोई भी बैंक के अंदर। और अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी आईटी सेक्टर के अंदर, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, ठीक है दोस्तों। आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर सीए के लिए उन्होंने सीए मांगी है, चार्टर्ड जो सर्टिफाइड एसोसिएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने साथ में मांगा है। और LA की बात करते हैं ला की, तो उसके अंदर भी 50% डिग्री मांगी है लॉ में, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, या आप लॉ ऑफिसर एक काम कर चुके हों कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। और सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपको CA मांगी है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, या आपने फाइनेंस से MBA कर रखी हो। और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपकी MBA होनी चाहिए, मार्केटिंग के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एग्रीकल्चर के लिए भी आपको एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर में डिग्री या कोई भी सेक्टर के अंदर इनमें से डिग्री विद इन मिनिमम 50 मार्क्स के साथ, और 2 साल का इससे एक्सपीरियंस मांगा है। अब बात करते हैं दोस्तों जो सबसे बड़ी जो ऑफिसर स्केल थर्ड की है उसके अंदर डिग्री मांगी है, या इनमें से कोई भी डिग्री हो तो भी चलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो भी एज एन ऑफिसर दोस्तों। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो 600 रुपये रहेगी सिर्फ जनरल OBC और EWS के लिए, और बाकी जो SC ST और PWD जो EXSM जो कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए 100 रुपये रखी गई है दोस्तों।
एग्ज़ाम जब पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हम आरआरबी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। उसके अंदर प्री और मेन रहेगा, इंटरव्यू नहीं रहेगा, कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। और ये सिंपल, पहले जो प्री में पास हो गया उसके बाद में उसको मेन में पास होना है, दोनों में मार्क लिस्ट होने के सॉर्ट आउट होने के बाद वो सेलेक्टेड है। और पेनल्टी रखी जाएगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन सही है, एक गलत कर दिया तो एक नंबर, सॉरी 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक नंबर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग है। और जो असिस्टेंट प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मैंने बताया था ऑफिस असिस्टेंट का प्री का एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अंदर 40 नंबर के मार्क्स रहेगी रीजनिंग और 40 की रहेगी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स। तैयारी करनी हो दोस्तों, बिल्कुल जायज़ सी बात है, आपको हमारे चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के मेन एग्ज़ाम की। तो मेन एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग रहेगी 50 नंबर की, 40 क्वेश्चन रहेंगे। जीके रहेगी 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 50 नंबर की, 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि रीजनिंग और जो मैथ है वो क्या रहेगा, 40-40 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब बात करते हैं हिंदी के, या एक आपसे लैंग्वेज पेपर रहेगा जो आप भरोगे वही है, इंग्लिश भरोगे तो इंग्लिश आएगी, हिंदी भरोगे तो आपको हिंदी अटैम्प्ट करनी है, 40 नंबर 40 क्वेश्चन। और कंप्यूटर जो नॉलेज है उसके लिए आपको सिर्फ 20 नंबर मिलेंगे और 40 जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, हाफ नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और टोटल है वो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही आपके नंबर होंगे दोस्तों। और जो टाइम रहेगा आपका 2 घंटे रहेगा, टाइम क्या रहेगा आपका 2 घंटे ही रहेगा। और अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में। तो मैंने आपको बताया था प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों होगा, और तीनों के जब मेन और प्री जब आप क्लियर कर दोगे, जो जो कम्युनिटी स्कोर है वो होने के बाद फाइनल कट ऑफ जब आएगी उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसीज होगा विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। इंटरव्यू कब होगा उसके बाद में आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। यहाँ पर भी पेनल्टी है दोस्तों 0.25 मार्क्स की, कोई भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेवल का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, बाकी सेम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। और आज का जो वीडियो है वो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, और फिर जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आती है दोस्तों तो फिर मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। प्लीज़ तब तक आप मेरे चैनल तक पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक मैंने दिया है यहाँ पर पे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए या पीडीएफ के लिए भी आप, या वीडियोस के लिए, वीडियो के लिंक के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को कनेक्ट ज़रूर करना है, क्लिक कर दो, अभी से कर दो दोस्तों, टाइम बाद में नहीं होगा, अभी करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।